कांग्रेस का बीजेपी पर वार। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म होने पर अब कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक लुटिया ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, सरकार हालात को काबू पाने में पहले से नाकाम है। मरीजों को दवाइयां और इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जिससे स्पष्ट है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित है। नवभारत समाचार हल्द्वानी उत्तराखंड से आशा रावत। हालात कहीं ना कहीं कोरोना में बहुत अच्छे नहीं है। देखिए, जिस तरह से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और सरकार को यह नहीं पता है कि इस कोरोना से बीमारी से हमें किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लड़ना है। हमारे अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह चरमरा गई हैं, नंबर ऑफ केसेस और पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और हमारे अस्पतालों में इंतजाम नहीं है। सरकार की कमी रही है इसमें। सरकार जो है रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन की जो है आपूर्ति नहीं कर पा रही है, जिससे जो है जितने भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत इंतजाम करने में उनको तकलीफ़ें करनी पड़ रही हैं, दर दर भटकना पड़ रहा है, बावजूद इसके उनको इंजेक्शन्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह विफल रही है। एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ आप नाइट कर्फ्यू, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इससे साफ पता चलता है कि इनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है और ऐसी सरकार में कि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें कोरोना से निजात मिल पाए।